ऑक्सीजन ओ एस 11.0.2.14 द वन प्लस 70 एंड 70 प्रो। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। अगर आप वन प्लस 70 प्रो स्मार्टफोन के यूजर्स हैं तो आप लोगों को भी ऑक्सीजन ओएस 11.0.2.1 का अपडेट देखने को मिलने लगा होगा। ये अपडेट मैंने बताया था कि 2 से 3 दिनों के अंदर रोल आउट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 7 सीरीज पर पहले ही आ चुका है और उनके भी यूजर्स को धीरे धीरे करके सभी को मिल रहा है। इस अपडेट में काफ़ी सारे फीचर्स हुए हैं जिसके कारण से मैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये अपडेट बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन के साथ में गीक बेंचमार्क स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेकर के आया है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ इसमें क्या कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, साथ में मैंने भी कुछ चीज़ें इसमें खोजी हैं जो आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले चेंज लॉक के बारे में बात करता हूँ। रिड्यूस पावर कंजर्वेशन देखने को मिल जाता है जिसके कारण से बैटरी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्किंग में है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन के ऑप्शन में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन जो होते हैं सभी एप्लीकेशन के उनको ऑप्टिमाइज नहीं किया होता है, फिर भी यहाँ पर बैटरी काफ़ी अच्छी बैटर वर्किंग में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जिस तरीके से बैटरी ड्रेन हो रही थी उस तरीके से अब यहाँ पर ड्रेन नहीं हो रही है। इसी के साथ इम्प्रूव ओवरहीटिंग कंट्रोल मैनेजमेंट, जो यहाँ पर डिवाइस ओवरहीट हो जाता था कभी कभी, उसको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्प्रूव कर दिया गया है। अब वो यहाँ पर कुछ अच्छे से वर्किंग में है और यहाँ पर हीट भी ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, जिसके कारण से गीक बेंचमार्क स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल कर आता है। मैं आपको आगे गीक बेंचमार्क भी दिखाऊंगा। साथ में अगर आप नेटफ्लिक्स अमेजॉन जैसे एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे थे वहाँ पर DRM यानी कि वाइड वाइड L1 का जो सपोर्ट है वो L3 था कुछ लोगों का, उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पर फुल HD का रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है इन एप्लीकेशन पर। अगर आपको देखने को नहीं मिलता है वाइड वाइड L1 तो आप अपने डिवाइस को एक बार फैक्ट्री डेटा रीसेट कर दीजिए, उसके बाद आपका डिवाइस ऑटोमेटिक वाइड वाइड L1 पर आ जाएगा। इसी के साथ जून मंथ का आपको सिक्योरिटी पेच लेवल देखने को मिल जाता है। जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी पेच लेवल को अपडेट किया गया है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी कमाल की बात है, परंतु ये एक मंथ पीछे का सिक्योरिटी पेच लेवल दे रहे हैं। ये यहाँ पर थोड़ा सा इन्हें और अपडेट करना चाहिए अपने सिक्योरिटी पेच लेवल को, जो कि मंथली अपडेट देखने को मिले पब्लिक को। इसी के साथ फाइल मैनेजर के अंदर जो क्रैशिंग का इशू था उस चीज़ को फिक्स कर दिया गया है। कैमरा के एप्लीकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर फुल स्क्रीन रेजोल्यूशन पर जब हम लोग फोटो कोई भी शूट कर रहे होते थे उसका इशू था, ब्लर हो रही थी इमेज कुछ हद तक, तो उस चीज़ को फिक्स कर दिया गया है। साथ में फ़ोन एप्लीकेशन की जो UI थी वो यहाँ पर आइकन छोटे हो रहे थे, ऐसा कुछ डिस्प्ले पर सही से नहीं आ रहे थे, उस चीज़ का इशू कुछ लोगों को देखने को मिला 70 और 70 प्रो डिवाइस पर, परंतु वन प्लस 7 सीरीज पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखने को मिला था ये इशू, उस चीज़ को भी फिक्स कर दिया गया है। इसी के साथ आगे मैं बात करूं क्या कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर खोजी हैं। सबसे पहले गेम स्पेस के अंदर आपको मॉनिटर डेटा नाम का फीचर देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप FPS GPU CPU तीनों ही चीज़ें देख सकते हैं, कितने FPS पर आपका डिवाइस चल रहा है, गेम कितने FPS पर चल रहा है, ये सब कुछ आपको ये मॉनिटर करके देता है। मैं यहाँ पर BGMI को प्ले करता हूँ तो मैं यहाँ पर 90 FPS के ग्राफिक्स पर भी देखता हूं कि ये यहां पर 60 FPS से ऊपर नहीं जा रहा है। तो कुछ यूजर्स ने जो वीडियो बनाई है वो यहां पर फेक है। मैंने जो यहां पर गेम के प्ले के बारे में भी वीडियो एक बनाई है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो वीडियो आप देख सकते हैं। साथ में यहां पर आप खुद ऑफिशियली अब चेकआउट कर सकते हैं कितने FPS पर आपका गेम चल रहा है। तो कोई भी फिलहाल में ऑप्शन नहीं है जिसके द्वारा आप 90 FPS पर गेम को प्ले कर सके, ये चीज आपको यहां पर शो करा देता है। साथ में ये चीज अब काफी ज्यादा बेटर है जो आपको गेम के लिए देखने को मिल जाती है। इसी के साथ आपको यहाँ पर गीक बेंचमार्क के बारे में बताऊं तो आपको गीक बेंचमार्क काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाता है, जो कि 748 सिंगल कोर पर और 2542 मल्टी कोर पर देखने को मिलता है। सिंगल कोर की रैंक की बात करूं तो ये पहले से बेहतर देखने को मिल जाता है, लगभग यहाँ पर 12 बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। मल्टी कोर पर भी यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिलता है, परंतु उतना ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को नहीं मिलता है, परंतु जो ऑप्टिमाइजेशन किए गए हैं अब लगता है कि वन प्लस के डेवलपर पहले से बेटर वर्क कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ AOD का जो फीचर्स है वो भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा अगले अपडेट में, हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर AOD का जो फीचर्स है वो अगले अपडेट तक देखने को मिलना चाहिए। अगर आपको अगले अपडेट तक देखने को नहीं मिलता है तो मैं उम्मीद करूँगा कि वो फीचर्स आपको
ऑक्सीजन ओएस 12 के साथ में ही देखने को मिलेगा, शायद ऐसा मेरा मानना है पूरी तरह से। इसी के साथ अब मैं बात करूं, अगर आपको ये अपडेट देखने को नहीं मिला है तो आप इसके लिए कुछ दिन वेट कर सकते हैं, सिस्टम अपडेट में आपकी ये शो हो जाएगा, नहीं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के ऑक्सीजन अपडेटर या फिर आप मेरे द्वारा दिए गए लिंक से रोम को डाउनलोड करके अपडेट करा सकते हैं अपने डिवाइस को। उम्मीद करता हूं आज की यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाने की कोशिश करता रहता हूं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।